दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और न्यूजीलैंड 11 के बीच एकमात्र प्रैक्टिस मैच हैमिल्टन के शेडन पार्क के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर दूसरे दिन का खेल अब समाप्त हो चुका और यह दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। इस पूरे दिन ही भारतीय टीम का दबदबा रहा, जहां पर एक तरफ पहले भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर पूरी तरह से सेट है। और इस वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं डे टू को और जानेंगे कि क्या कुछ खास हमें दूसरे दिन के इस खेल में देखने को मिला। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस टेस्ट में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा दे तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर थोड़ा डे वन की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेतेश्वर पुजारा के लाजवाब 93 और हनुमा विहारी के ताबड़तोड़ शतक के चलते टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 78.5 ओवर में 263 रन बनाए। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इन दोनों ही बल्लेबाजों के अलावा भारतीय टीम का पूरा बैटिंग ऑर्डर हमें यहां पर फ्लॉप दिखाई दिया। पृथ्वी शाह, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा जैसे सभी दिग्गज कुछ खास स्कोर वहां पर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी यहां पर इन दोनों खिलाड़ियों के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते टीम इंडिया अच्छी कंडीशन पर पहुंच चुकी थी और उसी के साथ डे वन के स्टंप्स हो गए थे। दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई इसी दिन न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के साथ और यहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने जिस टाइप का परफॉर्मेंस किया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो सीरियसली बहुत ही ज्यादा कम रहने वाली है। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड 11 को डे टू में टीम इंडिया ने केवल 235 के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम की गेंदबाजी की हम यहां पर बात करते तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर मोहम्मद शमी ने की, जिन्होंने 10 ओवर डाले, 5 ओवर मैडन निकाले, केवल 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी यहां पर जबरदस्त गेंदबाजी की। बुमराह ने अपने 11 ओवर में केवल 18 रन देकर 2 विकेट लिए। उमेश यादव को भी इस मुकाबले में 2 विकेट मिले। नवदीप सैनी ने भी 2 विकेट लिए। वहीं रविचंद्रन अश्विन को इस मुकाबले में 1 विकेट मिला। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि हैमिल्टन के शेडन पार्क के मैदान पर भारतीय टीम के दोनों स्पिनर पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों ही खिलाड़ी को यहां पर विकेट नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि यहां पर एक विकेट रविचंद्रन अश्विन को जरूर मिला, लेकिन वह टीम का 10वां विकेट था, यानी उन्होंने वहां पर एक गेंदबाज को आउट किया था। तो यहां पर भाई कुछ ऐसा था यहां पर डे टू का सिनेरियो। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात करते हैं तो उन्होंने रविंद्र के 34, फिन एलन के 20, हेनरी कूपर के 40, जॉन ब्रूस के 31 और डेरियल मिचेल के 32 रनों की मदद से यहां पर 235 रन बनाए थे। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरे, भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे पृथ्वी शाह के साथ मयंक अग्रवाल और सभी लोगों को यही टेंशन थी कि इस बार वो किस टाइप का परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि यहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 7 ओवर का गेम यहां पर खेला गया, जहां पर 7 ओवर में 59 रन पर भारत का भी फिलहाल कोई विकेट नहीं है। पृथ्वी शाह 25 गेंदों में 35 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं मयंक अग्रवाल 17 गेंदों में नाबाद 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी एक छक्का भी लगा चुके और यहां पर बहुत ही अच्छी कंडीशन में भारत पहुंच चुका है। 87 रन की लीड यहां पर टीम इंडिया ने बना ली है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस महामुकाबले को, भारत या फिर न्यूजीलैंड 11? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।